कि स्टूडेंट्स शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली सीटेड ऑन देयर चेयर्स टीचर्स शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द क्लासरूम बाय परहैप्स आस्किंग देम टू टेक केयर ऑफ द बुलेटिन बोर्ड्स टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि आप बुलेटिन बोर्ड्स को डेकोरेट करें आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट करें इस चीज का ध्यान रखें कि क्लासरूम में कोई गन ना पड़े तो स्टूडेंट्स को फुली इन्वॉल्व करना

इसके साथ साथ ये बेहद जरूरी है कि जो स्कूल है वो पूरी जिम्मेदारी उठाए टू टेक केयर ऑफ द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द क्लासरूम सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू प्रोवाइड फुली एक्विप्ड क्लासरूम्स टू द स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं इट्स अ वेल लेड आउट क्लासरूम जिसमें उठने की बैठने की प्रॉपर जगह है मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बुलेटिन बोर्ड्स आर देयर स्टूडेंट्स वर्क इज डिस्प्लेडर इसके अलावा एक बड़ा सा चॉकबोर्ड भी आपको नजर आ रहा है सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये जो है ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि हर क्लासरूम में तमाम फेसिलिटीज मौजूद हों ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंसिडर करें दे दिस इज फॉर देम एंड देन दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन क्लासरूम सो देप ओनरशिप ऑफ द क्लासरूम यू प्रोवाइड विद ऑल द फैसिलिटीज एंड देन यू एजुकेट दम टू टेक केयर ऑफ दोिटीज इसके अलावा स्कूल जो है उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो वो एक पर्पज बिल्ट बिल्डिंग प्रोवाइड करे आमतौर पर पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जो स्कूल्स हैं स्पेशली जो प्राइवेट मीडियम स्कूल होते हैं उनको घरों में भी खोल दिया जाता है और एक स्कूल के होने का एहसास नहीं होता so the provision of a purpose built building for the purpose of education is very important. इसके अलावा classroom size जो है वो बड़ा होना चाहिए छोटे क्लासरूम में आप ज्यादा बच्चों को नहीं बिठा सकते वहां पर ऑटोमेटिकली बिहेवियर problems जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं सो प्रोवाइड बिग क्लासरूम्स टू द स्टूडेंट्स विद adequate फैसिलिटीज बिग प्ले ग्राउंड दैट इज द राइट ऑफ द स्टूडेंट करी कलम जो है उसका एक अहम हिस्सा जो है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स होता है इस वजह से बड़े प्ले जो हैं हमें उनको स्कूल का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जब प्ले में जाएं तो उनके भागने की और गेम्स प्रैक्टिस करने की एडिक्वेट स्पेस हो इसके अलावा लेबोरेटरीज आर्ट रूम्स लाइब्रेरीज इसके अलावा वॉशरूम्स इन्फर्मरी ये सब चीजें जो हैं ये स्कूल में मौजूद होनी चाहिए और उनका साइज जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि एक मुकम्मल क्लास सेफली अकोमोडेट हो सके जैसे कि आर्ट रूम है लेबोरेटरी है कंप्यूटर रूम है इसमें एक वक्त में एक क्लास का सेक्शन जो है वो सेफली अकोमोडेट होना चाहिए इसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके स्कूल में एक इंफॉर्मरी ज़रूर हो एक ऐसा नर्सिंग स्टेशन हो जहां पर खुदा ना खास्ता अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको फौरी तौर पर टिबी इमदाद दी जा सके स्कूल्स में बाजुकात ऐसा नहीं होता और फिर स्टूडेंट्स को रश करना पड़ता है टुवर्ड्स द हॉस्पिटल सो प्लीज अवॉइड सच सिचुएशंस ये स्टूडेंट का राइट right है कि जब वो एक स्कूल में आता है तो उसको तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं इसके अलावा स्टाफ रूम्स का होना बेहद जरूरी है बिग स्टाफ रूम्स का होना बहुत जरूरी है जहां पर टीचर्स के वर्क स्टेशन हों जहाँ वो अपने मटेरियल्स रख सकें अपनी चीजें रख सकें और आराम के साथ फारक वक्त में अपना काम कर सकें इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए जो है वो फर्निश्ड रूम्स का होना बेहद जरूरी है बाजू का जो सपोर्ट स्टाफ है उनके बैठने की जगह नहीं होती सो प्लीज प्रोवाइड दिज फेसिलिटीज इन द स्कूल एंड दिस इज वॉट वी फिजिकल डायमेंशन ऑफ स्कूलिंग एंड दैट द स्कूल एंड दिस रिक्वायर्स a whole school approach.